पहले 9 महीना 10 महीना पहले महाराष्ट्र में दो एक संतान है जो को भीड़ में मार कूटन मार दिया। मेरो ज्यादा लोग सहयोग नहीं करियो। और अबार 5-10 दिन पहले बो शाहरुख खान रो बेटो पकड़ी जीरो है जो को पूरा बॉलीवुड आला बिनो समर्थन कर रही है कि वो कोई भलो काम ए संत महात्मा ने लोग जगह जगह माते फसाया करे क्योंकि विदेशी ताकत ने इन चीज रो मालूम है कि जब तक हिंदुस्तान रो संत बदनाम नहीं वे तब तक हिंदू संस्कृति टूटे को नहीं क्योंकि अपनी संस्कृति की मजबूती संत है। जब तक हिंदुस्तान रो संत बदनाम नहीं हुए जब तक हिंदू संस्कृति नहीं टूटे। एक छोटो सो उदाहरण ले लो कि एक संत महात्मा वे जो आसाराम जी है अबार जेल में है ना वणा रे खिलाफ जो सबूत है ना वे पैदा करी उड़ा 500 सालों साजिश रचता 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 बेने खिलाफ एक साजिश रच और बेने फसाया। आ सब साजिश है और आ कोई छोटी मोटी साजिश नहीं है वर्ल्ड लेवल री विश्व लेवल री बहुत बड़ी साजिश है। इन साजिश से तेत बेन फसाया। जी आदमी रे कने पानी पीवे तो 4 आदमी खड़ा रहे। जी आदमी रे कने सांस लेवे तो 100 आदमी खड़ा रहे। जी आदमी रे चारों मेर 1,500 आदमी रे सिक्योरिटी रहे। बी आदमी ने गलत दिशा में या गलत जाल में केकर फंसा सके। मने तो यूं लागे जैसे कोई बंदूक री नोक माते एक पिस्तौल री नोक माते एक वणा ने फसाई और वेण खिलाफ सबूत पैदा करो और वणा ने जेल में डाल दिया। निश्चित रूप अगर कोई रे खिलाफ सबूत हुए जावे जना आपा लोग कानून ने सबूत माना। कानूनन में तो ऐसा ऐसा कई नेता लोग बैठा है जो को जेल जा जान पछा आयकार कोई तो रक्षा मंत्री बनगार कोई रेल मंत्री बनगार कोई किया मंत्री बनगार और अपना ऐशंत महात्मा जो जेल में है अना ने जमानत तक नहीं मिले। नहीं मिलो नो कारण है कि एन खिलाफ इतो जहर भरियोड़ो है कि भी जेल ने खत्म ही नहीं होंदे और लोग संत महात्मा ने बदनाम कर बो करे। बेन ध्यान है कि अगर हिंदू समाज रो पतन करनो है हिंदू समाज ने नीचो पटकनो है हिंदू समाज ने पताल में ले जानो है तो संता ने बदनाम करो और संत बदनाम बे जन हिंदू समाज अपने आप टूट जाए। और बी साजिश का शिकार ए आसाराम जी महाराज जोड़ा बाकी ए उठे मे लोग उठे जना आश्रमी उठे छे आश्रमान में 50-50 100-100 कैमरा लागुड़ा है। कैमरा में कठे कोई सबूत नहीं है लेकिन कोई ने 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ रुपयो दे कोई लड़की कनु झूठो बोलाई और बेचारा एक संत महात्मा ने फंसा दिया जो जेल में बैठा है और आप लोग समर्थन करा भी को नहीं। मैंने भी एक बार गलत फहमी हुई कि मैं भी मेरे खिलाफ बोल गो लेकिन जब एहसास भी हो मन में विचार करियो कि इंसान ने एक संत के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप अच्छा नहीं कर सकते हो तो किसी का बुरा करने का अधिकार आपके पास में भी नहीं है। अगर किसी का भला ना कर सकते हो तो बुरा करने का अधिकार आपके पास में नहीं है। फिर बाद में मुझे भी एहसास हुआ गलती का कि भाई हमने एक संत के बारे में कुछ गलत बोल दिया और ईश्वर हमें अपनी गलतियों के लिए क्षमा करे। संत महात्मा हमें क्षमा करे कि भाई हमें एक बड़े संत के खिलाफ या उनके विरोध में कुछ नहीं बोलना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं भी व्यासपीठ पे बैठा हूँ मैं कभी कभी ये भी मानता हूँ स्वीकार करता हूँ कि हम लोगों को जल्दीबाजी में कभी कभी बोलने में ऐसा शब्द बोल दिया जाता है जिन शब्दों को बोलना नहीं चाहिए उसे हजारों लोगों की आत्मा को ठेस पहुंचती है। इसलिए कहा जाता है कि संत की सेवा संत की इज्जत और संत का जो भाव है वो अपने मन में रखना चाहिए। और मैं तो हिंदू सनातन संस्कृति से निवेदन करता हूँ इस मेरे वक्तव्य के माध्यम से कि सवाल आसाराम जी का नहीं है कोई भी संतों का नहीं है लेकिन अपने जो निर्दोष संत महात्मा है जिनको जेलों में भरा गया है उनको छुड़ाने के लिए उनको रिहा कराने के लिए उनको जमानत करवाने के लिए हिंदू समाज को भी आगे आना चाहिए ताकि अपने संत महात्मा और सनातन संस्कृति बदनाम ना हुए।